subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जनपद इटावा में वाहन चेकिंग के दौरान 10 किलो अवैध गांजा के साथ दो तस्कर किए गए गिरफ्तार। इटावा एसएसपी आकाश तोमर के निर्देशन में सीओ सिटी एसएन वैभव पांडे के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच टीम ने 10 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। एसएसपी इटावा आकाश तोमर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु पूरे जनपद में संघ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो तस्करों को 10 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पिछले लंबे समय से थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में भारी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद आज एकाएक क्राइम ब्रांच टीम ने छापा मारकर 10 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। ये जनपद इटावा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय इटावा के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में दो टीमें बनाई गई थी, जिसमें यशोजी टीम और थाना फ्रेंड्स कॉलोनी की पुलिस दो टीमें थी। इनके द्वारा आज सवेरे जो चेकिंग की जा रही थी संदिग्ध वाहन की व्यक्तियों की, उसी दौरान जब ये चेकिंग करते करते सब्जी मंडी तिराहा रेलवे लाइन के किनारे पहुंचे तो दो लोग जो है संदिग्ध व्यक्ति मिले। उनसे जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 10 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। उन अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया गया कि वे लोग अवैध गांजा की बिक्री ट्रेनों से या ले करके या शहरों में जाते हैं और उसको बिक्री करते हैं। उनको गिरफ्तारी के संबंध में फ्रेंड्स कॉलोनी थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 89/20 धारा 8/20 NDPS एक्ट में पंजीकृत कर दिया गया है। ये जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं वो मोनू कुमार राजपूत हैं और मानिक चंद्र मेवाराम हैं, और इनसे जो बरामदगी हुई है वो 10 किलो अवैध गांजा है। और जो हमारी पुलिस टीम है, मैं पहले बता चुका हूँ, एक प्रथम टीम के प्रभारी हैं श्री सत्येंद्र सिंह यादव और दूसरी टीम के प्रभारी हैं श्री अतुल कुमार लखेरा, प्रभारी निरीक्षक हैं फ्रेंड्स कॉलोनी के। क्या कीमत आगे जा रही है इसकी? कीमत आज के रेट में लगभग जो है 4-4.5 लाख के आसपास आंकी गई है। ये लोग जो पकड़े गए हैं पहले से भी कहीं संलिप्तता रही इनकी? हाँ, इनसे पूछताछ की गई है तो इन्होंने बताया कि हाँ, हम पहले से इस काम में लगे हुए थे।